यही वजह है कि पर्यटकों की भारी भीड़ जो है पहाड़ों का रुख कर चुकी है, लेकिन जाम में लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शिमला से लेकर नैनीताल तक या फिर मनाली, जो भी लोग प्लानिंग करके घर से बाहर निकल रहे हैं ना, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है, क्योंकि लंबे जाम में लोगों को फंसे रहना पड़ रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिसमस दस्तक दे चुका है, इसके बाद अब बारी है नए साल के जश्न की, 2024 को वेलकम करने की, और लोग इन पलों को यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए कई बार खास जगहों का भी रुख करते हैं, लेकिन ये राह हर बार आसान नहीं होती। वहीं ये टूरिस्ट प्लेस अगर राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर ना हो तो फिर रास्ते पर जाम तो लग ही जाता है। ऐसा ही कुछ हाल अभी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बीच का है। यहाँ रास्ते में कई किलोमीटर तक जाम लग गया है। ये नजारा कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का है। शिमला से वाकना घाट के बीच पूरा हाईवे गाड़ियों से भरा पड़ा है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। जहाँ जाम से थोड़ी राहत है वहाँ गाड़ियाँ बमुश्किल रेंग रही हैं। हिमाचल में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। उनके भारी तादाद में आने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली शिमला और दिल्ली मनाली हाईवे पर जगह जगह ऐसे ही हालात हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट को भारी दिक्कतें हो रही हैं। कई घंटे वो रास्ते में ही फंसे रहे, उनको खाने पीने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भारी तादाद में सैलानी जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं जिस तरह सैलानी जो है शिमला का रुख कर रहे हैं, तो लगातार यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। कई किलोमीटर का ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग चुका है, और आप देख सकते हैं किस तरह जो है गाड़ियाँ यहाँ पे स्टक हो गई हैं। वहीं मसूरी में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं, 90% होटल बुक हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटकों की कितनी बड़ी तादाद पहाड़ों का रुख कर रही है। होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पुलिस प्रशासन से हम हर मीटिंग में ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं बनाएं, सारा मैनेजमेंट का खेल है, और अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टूरिस्टों को परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हर वर्ष की तरह यहाँ से लोग परेशान हो ही जाएंगे। क्रिसमस पे जो हर साल हम तैयारियाँ करते हैं उसी में इस बार हमने भी उसी तरह की तैयारी की। जिन लोगों की नैनीताल शहर में होटल की बुकिंग है और ऐसे होटल जिनमें पार्किंग है उनकी गाड़ियाँ हम अलावा करा रहे हैं, बाकी ऐसी होटल जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है उनको हम शटल सर्विसेज से भेज रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो कालाडूंगी रोड है और हमारा काठगोदाम रोड है और भवाली की तरफ है, तीनों तरफ हमने डाइवर्जन कर रखा है, दोनों रूसी और मस्जिद तराए पर हम गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, और जैसे नैनीताल शहर में स्पेस बनता जा रहा है उसके हिसाब से हम 10-12 गाड़ियाँ लोड करके छोड़ते जा रहे हैं। अभी तक जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल है और सारी पुलिस तैनात है, हम लोग जो है हर तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह भयंकर जाम लगा हुआ है, हालांकि पर्यटकों के पहाड़ों में पहुंचने का सिलसिला तब भी जारी है। शहर में बेहतर कार पार्किंग व्यवस्था और पुलिस के पास यातायात प्लान न होने के चलते पर्यटकों और टैक्सी ड्राइवर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।